जय वर्षा। ब्राह्मण बतलाते हैं जो नतीजे बदल जाते हैं, सारे मंजर और सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है परशुराम फिर नहीं पैदा होते? पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। जय परशुराम, आज उनकी जयंती है। आप सबको परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को हर वर्ष परशुराम जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना 6वां अवतार लिया था। इसी वजह से इस दिन अक्षय तिथि के साथ परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस साल 3 मई को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। भगवान परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन गुण क्षत्रियों की तरह थे। ऋषि और माता के 5 पुत्र में से 4थे पुत्र परशुराम थे। परशुराम भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। परुष भी उनमें से एक था जो उनका मुख्य हथियार था। उन्होंने परशुराम धारण किया, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया। महाभारत में भी परशुराम जी की कथा कई बार आती है, जिनमें से 2 कथाएं बहुत प्रसिद्ध थी। एक कथा भीष्म के साथ उनके युद्ध की है। परशुराम जी ने राजकुमारी अंबा को न्याय दिलवाने के लिए भीष्म के साथ घोर युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। आखिर में वो अंबा को न्याय नहीं दिला सके, तो उन्होंने शपथ ले लिया कि भविष्य में किसी भी क्षत्रिय को युद्ध कला की शिक्षा नहीं देंगे। महाभारत की दूसरी प्रमुख कथा कर्ण की है। जब कर्ण को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और कर्ण को वास्तविकता जानने के लिए बाद उसे श्राप दे दिया कि जब उसे उनकी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी तब वह शिक्षा भूल जाएंगे। महिला का सम्मान एक सद्पुरुष के लिए अनिवार्य गुण मानते हैं। इसी वजह से अंबा का सम्मान लौटाने के लिए अब हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम जी कलयुग में अवतार लेने वाले हैं। कल्कि अवतार के भी गुरु बनेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार का युद्ध कौशल की शिक्षा देंगे।